रखते दिल पे फूल से हो मुरझाते क्यों हो छोड़ के मुझको जाते क्यों हो छोड़ के मुझको जाते क्यों हो करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं वफा लाजिम तो नहीं वफा लाजिम तो नहीं फूल किसने रखे थे मेरे रूम में वो मैंने रखे थे फूल अच्छे थे देखो लोग तो हमें ही बातें करेंगे ना कि हम जानबूझ के अपनी बच्ची की शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जॉब भी कर रही है और घर में पैसे भी दे रही है खर्चे के मिसेस सरवर हमें ना कोई बंगला चाहिए ना कोई गाड़ी और ना ही कोई जायदाद आप इस बात को यहीं खत्म कर दें मुझसे मिलने कौन आया अच्छा आ रहे Excuse me? जी वालेकुम अस्सलाम आप आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया ना कैसी हैं आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं आपको मेरा एड्रेस किसने दिया कैसे पता चला मेरा क्यों मिस्टर आशिर आशिर नाम है एमबीए पास हूँ अच्छी जॉब है हम दो भाई बहन हैं बहन की शादी हो चुकी मैं अकेला हूँ कोई जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल रिलैक्स अगर आपको जॉब चाहिए तो जाकर अपनी सीवी ऑफिस में पेश करिए और अगर आप अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो जाकर किसी मैरिज ब्यूरो में बात करिए क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिलने नहीं वाला जाकर सर मुझे आपसे बात करनी है इसलिए आपके ऑफिस आ गया बहुत जरूरी मैं देखिए ये मेरा ऑफिस मुझे यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए जा सकते सारा हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या हो खुद को हाँ और मुझे क्या समझते हो कि तुम मुझे बाहर बुलाओगे मिलने के लिए तो मैं मिलने आ जाऊंगी नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं प्लीज मुझे गलत मत समझें मुझे मुझे बस आपसे बात करनी थी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ अगर ऑफिस की कोई बात करनी तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो नहीं ऑफिस की कोई बात नहीं आपको प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुननी होगी प्लीज और अगर मैं ना सुनूं तो मैं कल फिर आऊंगा फिर परसों आऊंगा और फिर बार बार इसी तरह आपके पास ऑफिस आता रहूंगा आपसे बात करने के लिए सोचने भूल है आपकी मैं अभी सिक्योरिटी को बुलवाऊंगी और आपको यहां से धक्के देके बाहर निकलवा दूंगी और उनसे ये भी कह दूंगी कि आप इस ऑफिस के आसपास भी भटकते हुए नजर ना आए As you wish. तो मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा क्या मतलब मतलब ये कि थैंक यू वैसे सारा लड़का अच्छा है तो तुम अपने लिए देख लो ना Thank you.
पिटाई की हद तो देखो, कोई काम करने को नहीं था तो मुंह उठा के मेरे ऑफिस चला आया। कोई पूछे तो सही कि भला क्यों? बताया तो था ना उसने कि वो मिलना चाहता है बाहर। हाँ तो ये कौन सा तरीका है? ना जान ना पहचान, बेकार में फ्री हुए जा रहा है और किसी लड़की को इस तरह बाहर मिलने की ऑफर कर दो, ये क्या है? बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम सारा। उसने कहा था ना कि सीधी शराफत से बस बाहर बैठकर बात करना चाहता है, तो कर लो, इसमें क्या है? हाँ, कर लो बात, ना शक्ल ना कुछ, पता नहीं क्या समझता है खुद को। है बहुत बुरी शक्ल है क्या? नहीं, इतना भी बुरा नहीं है दिखने में। अब तुम क्यों हंस रही? तुमने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं कुछ नहीं, मुझे तो कोई नई कहानी नजर आ रही। मैडम ये आपकी खुशफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? देखते हैं। हाँ देख लेना। लेकिन आप करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वो तो है, आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, कलरफुल बहुत है। हाँ बहुत ज्यादा, लोग भी बहुत फ्रेंडली, हमें तो लगता ही नहीं कि हम ऑफिस आते हैं, घर जैसा माहौल है। भी मेरा भी दिल करता है कि यही जॉब ले लूं, यही काम करूं आपके साथ। आप यहाँ? मजाक कर रहे हैं ना? दो मिनट के लिए तो मुझे लगा कि आप सच बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो गई थी। उसका कंफ्यूज के बाद खूबसूरत लगती है। अरे फाते, दो मिनट आओगे मेरे साथ? हाँ प्लीज। घर आई खुशकिस्मती को लात मारना इसी को कहते? आशीर ने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, वो भी मिसेस सरवर के सामने। बाकी रह क्या गया? अच्छा आप प्लीज माजरत कर ले उनसे, उनसे कहें कि भाई को हम मनाएंगे, मान जाएंगे। अरे 10 बार माजरत कर चुकी हूँ, उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो कोई बात समझने को तैयार नहीं है, उल्टा मुझे समझाने लगी कि आप आशिर की शादी वहीं करें जहाँ वो चाहता है और उसी लड़की के घर रिश्ता लेके जाए जिसे वो पसंद करता है। बड़ी आई मुझे नसीहतें करने वाली। तो कहने दे, अब आशिर ऐसी वैसी कोई भी लड़की पसंद करेगा तो क्या हम राजी हो जाएंगे? कभी भी नहीं। तो और क्या, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरी सारी उम्मीदें ख्वाहिशें उसी से तो वाबस्ता है। लड़की साहिब जायदाद होनी चाहिए, ये मेरी लाजमी शर्त है, बस। ठीक है, हम कोई दूसरी लड़की देखेंगे, मिसेस सर्वर से अच्छी वाली। महवेश भाजी, ये तो आशिर भाई पे है ना? अगर आशिर भाई को जो लड़की अच्छी लगती हुई वो बेचारी गरीब हुई तो? या मेरे अल्लाह, फाते सर बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनके पास इतना पैसा है लेकिन जरा भी गुरूर नहीं है। हाँ होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमसे अच्छे से मिल रहा तो दूसरे के साथ भी अच्छा ही हो। हर किसी के मिलने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट सा होता है। जी नहीं, फाते सर बहुत अच्छे इंसान है और वो हर एक से एक जैसा ही मिलते हैं। तुम्हें पता है उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, जब भी किसी के सामने आते हैं ना तो रोब पड़ जाता है सब पर। तुम पर तो नहीं पड़ा था ना, याद है? हाँ वो तो काफी पुरानी बात हो गई है, और वैसे भी मुझे क्या पता था कि उस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है। अब जरा आंखें खोल के रखना,
कहीं कुछ और ही ना मिस कर दो। और वैसे भी तुम्हें बातें जरा थोड़ी देर में समझ आती है ना, स्लो जो हो काफी तुम। कोई स्लो व्लो नहीं हूँ मैं। और अच्छा होता कि तुम अपने कॉलेज के टूर के साथ ही रहते, मैं तो खामखा याद कर रही थी तुम्हें। ओहो, क्या तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो, शोर मचाते रहते हो, क्या हो गया तुम्हें? देखो ना, अंदाजा लगाना होता है कि फैमिली कैसी है, लोग कैसे हैं। अगर रिश्ता मुनासिब हुआ तो बात भी पक्की हो जाएगी। मैं अच्छी तरह मुतमईन हूं उनकी फैमिली से। आप लोग बस कल जाते ही उनसे रिश्ते की बात कीजिएगा और अगले माह शादी। आप खुश तो हैं ना? खुश? बल्कि बहुत खुश हूं। वफा लाज़िम तो नहीं। क्या बात है, क्या सोच रहे? कुछ नहीं यार, कुछ तो है, वरना कभी तुम इतना खोया खोया नहीं देखा। मैं ना खोया खोया हूं ना परेशान हूं। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि तुम जैसा शख्स परेशान तो हो नहीं सकता। और वैसे भी तुम शादीशुदा हो तो ये भी नहीं कह सकता कि किसी लड़की वड़की कोई चक्कर होगा। क्या वजह है? एक शादीशुदा इंसान के किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता? कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तुम तो ये बात नहीं कह सकते क्योंकि तुम दो दो दफा डाइवोर्स कर चुके हो। मैरी भाभी के साथ कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं यार, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। पक्का? या या। आशिर भाई, आपसे नाश्ते के लिए पूछने आई हूँ, आप तैयार हो जाइए तो मैं नाश्ता लगा दूँ। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, थोड़ी जल्दी है मुझे। पर अभी तो ऑफिस जाने में काफी टाइम है, आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो जल्दी किस बात की है? जल्दी किस बात की है, तुम कभी नहीं समझोगी। नफीसा खाला और महविश बाजी बहुत दुखी हैं।
आपने इस तरह शादी से इनकार जो कर दिया, अब वो आपके लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएंगे वो दोनों। अम्मी और महविश को अब लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ये बात पहले ही बता चुका हूं। और हाँ, तुम भी इस बात की फिक्र नहीं करो। जाओ। जी। सारा, आज फिर तुम लेट हो गई हो। हाँ यार, इस हफ्ते पहले ही दो लेट लग चुकी है मेरी। तो फैज साहब मुझे बहुत बातें सुनाने वाले हैं। सारा, मुझे नहीं लगता तुम उनकी बातें सुनने के लिए ज्यादा अरसा इस ऑफिस में रहोगी। क्यों, कहाँ जा रही हूँ मैं? ये किसने भेजा? पता नहीं, मेरे आने से पहले तुम्हारी टेबल पे रखा हुआ था, खुद देख लो। मैडम, आप जरा मेरी बात सुनेंगी आकर? जी मिस सारा। ये किसने भेजा? ये उसी ने। देखो, आइंदा मेरे लिए किसी से भी कोई चीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। सख्ती से मना कर दो गार्ड को। जी ठीक है, मैं मना कर दूंगी। मिस सारा, वैसे लड़का बहुत अच्छा है। चौककर अपना काम करो, तुम्हारे तो दिमाग के पहले स्क्रू ढीले। अब बेचारे फूल का क्या कसूर है, देखो तो कितना खूबसूरत है। कुछ ना बोल के भी अपनी दिल की बात कह देते हैं। वो कमती जो तुम भी शुरू हो गई, दिमाग खराब करके रखा है सबने। Thank you.
अम्मी और महविश को अब लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें ये बात पहले ही बता चुका हूं। और हाँ, तुम भी इस बात की फिक्र नहीं करो। चाय का कब से कहा है, बना रही हो या मैं जाऊं? जी मैं विश्वाजी अभी आ रही हूं। लड़की कैसी है, लोग कौन है, खानदान कैसा है, कुछ भी तो हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते। ऐसे कैसे रिश्ता लेके चले जाएं? कुछ तो अकल से काम लो आशिर। अम्मी सही तो कह रही हैं आशिर। देखो शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी होता है। लड़की पसंद आई, शादी का फैसला कर लिया और शादी कर ली, ऐसे नहीं होता। ये मत भूलो महविश कि तुम्हारी शादी भी ऐसे ही हुई है। और क्यों नहीं होती? शादी जब मुझे करनी है तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए और मुझे सारा पसंद है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा बस। और महविश ये बात मत भूलो कि भाई होने के नाते मैंने तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा था। ये जानते हुए भी कि फाते और हमारी क्लास में बहुत डिफरेंस है। आशिर क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बहन से बात कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इट्स ओके अम्मी, ठीक है, अब चले जाएंगे तुम्हारी पसंद की लड़की को देखने। लेकिन पहली मुलाकात में हम जाकर रिश्ते की बात पक्की नहीं करेंगे। देखो ना, अंदाजा लगाना होता है कि फैमिली कैसी है, लोग कैसे हैं। अगर रिश्ता मुनासिब हुआ तो बात भी पक्की हो जाएगी। मैं अच्छी तरह मुतमईन हूं उनकी फैमिली से। और अम्मी सारा का खानदान बहुत अच्छा है, जैन ने बहुत तारीफ की उनके खानदान की। आप लोग बस कल जाते ही उनसे रिश्ते की बात कीजिएगा और अगले माह शादी। और अम्मी जैन उनको बता चुका है कि आप लोग उनसे रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं, सो प्लीज। आशिर नाम है लड़के का, पता है जैन बहुत तारीफ कर रहा था उसकी, बल्कि महमूद भाई और भाभी तो खुद आए थे बात करने के लिए। बेटा ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं। मैं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसे मौके पर तो सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जैन की मेहंदी में जाना कितना मुबारक साबित हुआ। हाँ, लड़के ने देखते ही पसंद कर लिया। भाई आजकल के लड़के तो कहाँ माँ और बहनों की पसंद से करते हैं शादी। हाँ, यार बात भी सही है, यार जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना। हमें बस भी करते, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं, उनका खानदान कैसा है। और आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे रिश्ता तय करके बैठ गई हैं। अभी तो उन्होंने मुझे भी नहीं देखा। अरे वो तुम्हें देखने नहीं आ रहे, रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये आशिर फैसला करके उनको भेज रहा है। और देख बेटा, हमें तो लड़के से मतलब है ना, ये शौहर अच्छा हो, मोहब्बत करने वाला हो तो वो ही ख्याल रखेगा ना। हाँ तोबा तोबा तोबा, आजकल की लड़कियों से तो अल्लाह बचाए। लड़कों को किस तरह उल्लू बनाना है, इसका फन उन्हें खूब अच्छी तरह आता है। अब सारा कोई देखो, कौन सी हूर परी है जो आशिर उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है, ऐसा दीवाना हो रहा है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। नफीसा खाला आप समझाइए ना, आपकी बात तो सुनते हैं आशिर भाई। कितना समझाऊं, समझा समझा कर मेरी जबान थक गई है, वो तो कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो ये लड़की कोई जादूगरनी लगती है,
इसने ऐसा जादू कर दिया आशिर के ऊपर कि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं। एक ही बेटा है मेरा, क्या कुछ सोच के रखा है मैंने उसके लिए, कितने अरमान पाल के रखे हैं उसके लिए। साबिर भी मिलने वाली थी लेकिन हमारी बदनसीबी। सही कह रही हैं आप, बहुत तेज लड़की होगी, वरना आशिर भाई तो इतने शरीफ हैं, वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। और देखें, आपकी बात ही नहीं मान रहे अब तो। अच्छा बस भी करो, मेरा दिल पहले ही जला हुआ है और तुम उसमें मिट्टी का तेल डाल रही हो। जाओ जाओ, मेरे लिए कोई अच्छा जोड़ा निकालो, रोप तो रखना है ना उनके ऊपर। अच्छा नफीसा खाला, मैं भी चलूं आपके साथ, मेरा बहुत दिल कर रहा है सारा भाभी को देखने का। नहीं अभी कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जाने की, आ तो रही है वो मनुष्य इस घर में, सारी उम्र देखती रहना तुम। अब बैठी क्या हो, जाओ ना जी। तो हाथों में भी दम नहीं तुम्हारे। किस तरह मैं उस लड़की को इस घर में ले आऊंगी। थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच। इतनी दूर रहने के बाद भी तुमने मेरा काम आसान कर दिया। दोस्त तो तुम जैसा है। और हाँ, अंकल आंटी को भी मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक्स कहना कि वो खुद गए थे सारा के घर। अरे नहीं यार, मुझे अगर बाहर ना आना होता ना, यकीन कर मैं खुद तेरे साथ उनके घर पे चलता। और मुझे खुशी है कि तूने इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। ओवरऑल शौकत साहब की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, खुश रहे। मेरी तरफ से एडवांस में शादी बहुत बहुत मुबारक। चलो यार खुदा हाफिज़, बहुत ख्याल रखना। आशिर भाई, मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं कुछ नहीं चाहिए। और जाओ तुम भी जाके आराम करो, रात बहुत हो रही है। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कल आपका रिश्ता तय हो जाएगा। शुक्रिया। और हाँ दुआ करना कि सब कुछ ठीक तरह से हो जाए। आप खुश तो हैं ना? खुश? बल्कि बहुत खुश हूं, इतना कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता है। और शुक्र है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। जाओ तुम, काफी रात हो रही है। अच्छा तुम अपने ऑफिस वालों को बता देना कि तुम यहां से जाने वाले, क्योंकि ज्यादा दिन में तुम्हें हरकत नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ बोर होती हो, तुम एयरोस्टेस थी, आज तुम लंदन, कल न्यूयॉर्क, परसों पेरिस, बट दिस इज होम, यू हैव टू ट्रीट इट एज होम, चाहे तुम बोर हो, प्लीज। वफा लाज़िम तो नहीं, वफा लाज़िम तो नहीं, वफा लाज़िम तो नहीं, वफा लाज़िम तो नहीं। अच्छा ये कोई चीजें रह ना जाएं, अल्लाह पाक का शुक्र है। एक घर बैठे कैसा अच्छा रिश्ता आया हमारी सारा का। हाँ हमारी सुनी गई, बस मैंने कह दिया लड़के वाले डेट्स मांगेंगे ना तो हमने इनकार नहीं करना, फौरन दे देनी है। अरे क्या हो गया आपको, क्या करते हैं आप, आराम से पिए ना चाय, फंदा लग गया ना। देखो अस्मा,
वो क्या है कि उनको आने दो पहले और मुझे तसल्ली ना हो जाए मैं हाँ नहीं करूंगा। मुस्तकबिल का मैं कुछ नहीं कह सकता ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपको किस बात की फिक्र है? महमूद भाई और जैन ने जिम्मेदारी उठा तो ली। देखो उस्मा वो क्या है लड़की के मुस्तकबिल का सवाल है। एकदम से हाँ नहीं कर देना वो क्या है कह देना कि चंद दिन सोचने के बाद जवाब देंगे। शौकत साहब अब वो जमाना नहीं रहा, जमाना बदल गया है। अरे लड़के वालों को अगर इंतजार करवाए ना तो बुरा मान जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जीते रहो। तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हो? आज के दिन तो छुट्टी ले लेती। अम्मी ऐसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, बहुत से काम होते हैं करने वाले, जिम्मेदारी होती है। देखो बेटा अब तुम्हें काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस ऑफिस वालों को कह दो तुम नहीं आओगी। अरे तू घर में बैठ के क्या करेगी बेचारी? वो क्या है वो लोग तो शाम को आएंगे ना। जा बेटा तुम जाओ और जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच बाबा। अल्लाह हाफिज। हमेशा ना अपनी मनमानी होती है, आप उसे शह देते हैं। ये फूल इस सिलसिले का आखिरी फूल, शायद इसके बाद मुझे यहाँ आना ना पड़े। क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं साहब, तुम्हारे वालदैन से तुम्हारा हाथ मांग पूरी पूरी इज्जत और पूरी मोहब्बत के साथ। मैं जा रही हूँ, ऑफिस के लिए वेट हो रही हूँ। अच्छा तुम अपने ऑफिस वालों को बता देना कि तुम यहाँ से जाने वाले, क्योंकि ज्यादा दिन में तुम्हें हरकत नहीं थी। शाम में मिल रहे हैं। लगता है इस फूल ने अपना जादू कर ही दिया। नहीं बस ऐसे ही। ओ, तो अब आप शर्मा रही हैं। बनता भी है। वैसे अशर भाई के घर वाले आज आ रहे हैं ना? तुम भी ना, मुझे अपना काम करने दो। एक बात है सारा, सच्ची मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं, कितनी जल्दी सारे फासले खत्म कर दिए। अब दिल तो नहीं चाह रहा अम्मी, लेकिन भाई है, जाना पड़ेगा, वरना सारी उम्र ताने देगा कि बहन मेरी खुशियों से जलती है। वैसे अच्छी खासी उन्होंने लड़की दिखाई थी मिसेस सर्वर ने, काश शादी हो जाती, आप लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते, है ना? अच्छा मेरी बात सुने, बहुत प्यारी से तैयार होके जाइएगा, जो भी पढ़ना चाहिए उनके ऊपर, और आपको कोई जरूरत नहीं है उनसे फ्री होने की, मैं तो चाहती हूँ इनकार ही कर दें। महविश फाते आ रहे हैं, मैं शाम को मिलूंगी। ओके जी। भाई मेरा फोन कहाँ रख दिया तुमने? साइड टेबल पे पड़ा होगा। कहाँ साइड? ये क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं क्या हुआ है, परेशान लग रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं पूछना चाह रही थी आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं कहाँ जा रहे, मैं ऑफिस नहीं जाना, मैंने सुबह 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 मैं ऑफिस जाता हूँ, यू नो दैट। मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ बोर होती हो, तुम एयरोस्टेस थी, आज तुम लंदन, कल न्यूयॉर्क, परसों पेरिस, बट दिस इज होम, यू हैव टू ट्रीट इट एज होम, चाहे तुम बोर हो, प्लीज।
सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। डस्टिंग की ना तुमने सही तरह से? देखो ये गीला कपड़ा मार देना था, इतनी सारा हुआ हुआ खराब अभी तक सही नहीं है। और सुनो वहां जाकर भी साफ करो जाके, देखो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये सही तरह काम ही नहीं करती। लो भाई अस्मा बेगम सामान सारा आ गया है, किचन में मानी ने रख दिया है, तुम जरा जाके एक नजर देखो कि बाद में फिर कोई चीज याद ना आ जाए। वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन आप पहले सारा को फोन करें, ऑफिस से अभी तक नहीं आई। भैया आ जाएगी, अभी तो दो भी नहीं बजे, मेहमानों ने तो देर से आना है ना, तो उसे क्यों परेशान करती हो, आ जाएगी। वो भी अजीब लड़की है, रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं और अभी तक ऑफिस में बैठी भी है। मुझे तो अभी तक याद है जब आपके घर वाले आ रहे थे पहली बार देखने। तो एक हफ्ता पहले ही तुमने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये बात याद हो गई है मुझे सुन सुन के, वो क्या है कि याद हो गई है। उड़ाए मजाक मेरा और उड़ाए, लेकिन बेटी से कुछ मत कहिएगा ठीक है? कह दूंगी उन लोगों से कि हमारी बेटी को उसके ऑफिस में जाकर देखें, टाइम नहीं उसके पास। ऑफिस में जाकर देख ले, हमारी बेटी है या कोई फाइल है? ऑफिस में जाकर देख लो, कभी दिमाग खराब है, अजीब औरत है, नाकिस लक। सारा? यस सर। आशा मेरे ऑफिस में मीटिंग है, वो मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में, आपका होना वहां बहुत जरूरी है। लेकिन सर वो मुझे घर पे बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं पहले से छुट्टी ले चुकी हूँ। अगर इतना जरूरी काम नहीं तो प्लीज अगर आप कोशिश करें वो मीटिंग अटेंड कर लें, आई विल बी ग्रेटफुल। वफा लाज़िम तो नहीं आपसे रिश्ता है।